A question comes to be, construction of gyro from a new gyro or from a free gyro. मतलब एक जायरो है तो वहाँ से हम किसी भी फ्री जायरो कैसे, फ्री जायरो से एक जायरो कैसे बना लेंगे. तो फ्री जायरो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा फ्री जायरो क्या. तो जो फ्री जायरो है वो कुछ ऐसा होता है कि ये जायरो है और ये इमेजिनरी स्टार है. तो जैसे जैसे हमारी ये अर्थ है और जैसे जैसे रोटेट करती है, अर्थ ऐसे रोटेट की ये जायरो जो है वो इस फ्री इस स्टार को पॉइंट कर रहा था. अब ये इमेजिनरी स्टार जो है अर्थ के रोटेशन के हिसाब से, क्योंकि ये इमेजिनरी एक स्टार है, फिर इसका मतलब ये जायरो जो है वो पहले यहाँ था. अब इसी जायरो को जब ये अर्थ के रोटेशन के साथ इस तरफ यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर आया तो यहाँ पे भी एक इमेजिनरी स्टार मान लिया गया है, विच इज़ दिस वन, कि ये इमेजिनरी स्टार है. फिर वैसे फिर जैसे अर्थ और रोटेट की तो फिर ये इमेजिनरी स्टार जो है वो यहाँ पे आ गया, फिर ये जो इमेजिनरी स्टार है वो यहाँ पे आ गया. तो मतलब अर्थ के रोटेशन के हिसाब से ही जो जायरो है, जायरो भी अर्थ के रोटेशन के हिसाब से ही घूमने लगेगा. इट विल नॉट पॉइंट टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग लाइक दिस. पूरा का पूरा वो अर्थ के साथ साथ ऐसे ऐसे ही घूमते रहेगा, जैसे मेरा कर्सर घूम रहा है वैसे ही घूमते रहेगा. उसके बाद क्या हुआ, इस पर हमने ग्रेविटी कंट्रोल डाला. तो ग्रेविटी कंट्रोल डालने के बाद क्या हुआ, तो ग्रेविटी कंट्रोल पहले तो बॉटम हैवी या टॉप हैवी, वो दो टाइप के जो होते हैं अपने जायरो. तो एक ब्रिटिश मेड है स्वेरी, फिर जो दूसरा वो जर्मन मेड है आसूस. तो जो ब्रिटिश है वो टॉप हैवी है, जो आसूस है वो बॉटम हैवी है. तो बॉटम हैवी या टॉप हैवी जब हमने इफेक्ट लगाया तो क्या हुआ, तो पहला स्टेप था कि फ्री जायरो था हमारे पास जो कि गोल गोल घूम रहा था. नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा कि फ्रॉम आफ्टर फ्री जायरो जो घूम रहा था उसमें हमने ग्रेविटी कंट्रोल टॉप हैवी या बॉटम हैवी कर दिया. तो उसके बाद वो जायरो किस तरीके से एक्ट करेगा, तो अर्थ तो रोटेट कर रही है यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो जायरो है वो इस इमेजिनरी स्टार को पॉइंट किए हुए है, बट वो इस ऑरेंज सर्कल से है. जैसा लिखा हुआ है कि जायरो विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द इमेजिनरी स्टार एज ऑरेंज सर्कल. तो वो पूरा का पूरा ये इलिप्स बनाएगा इस इमेजिनरी स्टार के साथ. जैसे कि मेरा कर्सर अभी ये घूम रहा है कर्सर, तो वो ऐसे ऐसे गोल गोल बनाएगा स्टार के साथ, और स्टार को पॉइंट नहीं करेगा बल्कि उसके अराउंड बनाएगा ऐसे इलिप्स. तो ये ग्रेविटी कंट्रोल करने से हो गया. अब उसके बाद आएगा कि हाउ टू मेक इट नॉर्थ सीकिंग. तो पहले हमने फ्री जायरो लिया, उसमें ग्रेविटी लगाई, तो ग्रेविटी कंट्रोल करके वो इमेजिनरी स्टार के आगे राउंड राउंड घूमने लगा. उसके बाद आ गया कि नॉर्थ सीकिंग कैसे बनाए. तो नॉर्थ सीकिंग जायरो बलास्टिक एरर कंट्रोल करके, जो वो इलिप्स गोल गोल घूम रहा था ऐसे करके जैसे मेरा कर्सर घूम रहा है, उसको हमने एग्जैक्टली इस पॉइंट की तरफ एक ही स्टार की तरफ कैसे कर दिया, तो ब्लास्टिक एरर से कर दिया. ब्लास्टिक एरर क्या है वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में. तो दैट इज ये जायरो रहा, ये रहा इसका पॉइंट ऑफ. तो इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ओनली दिस स्टार, ये वाला भी टूवर्ड्स दिस स्टार ही है, क्योंकि मैं शो नहीं कर पा रहा था तो इससे बढ़िया नहीं मैं बना पा रहा था. तो ये वाला जो पॉइंटर है वो भी इसी स्टार की तरफ शो कर रहा, और ये वाला भी इसी स्टार, मतलब दे ऑल आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स ओनली वन स्टार. तो अब क्या हो गया, ये नॉर्थ सीकिंग हो गया. तो फर्स्ट हमने फ्री जायरो ले लिया था जो कि पूरा घूम रहा था अर्थ के साथ ही. फिर हमारा जो है ग्रेविटी कंट्रोल किया तो वो एक इलिप्स बनाया. फिर हमारा थर्ड जो है हमने ब्लास्टिक एरर कंट्रोल कर लिया, तो वो एक पॉइंट की तरफ बस सीक कर रहा था. अब इसमें एरर्स क्या है वो बता देता हूँ. एरर्स तो इसमें एरर्स फर्स्ट जो है वो डैम्पिंग एरर है. ये जो होती है वो लैटिट्यूड की वजह से होती है, जिसका फॉर्मूला साइन ऑफ डैम्पिंग एरर इज इक्वल टू के टैन कॉस ऑफ लैट, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डैम्पिंग एरर ड्यू टू लैटिट्यूड होती है, क्योंकि लैटिट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो जो अपना स्पीड ऑफ द अर्थ है विद द इंक्रीज ऑफ द लैटिट्यूड वो डिक्रीज होती है. उसके वजह से उसके ऊपर सेकेंड प्रिंसिपल के हिसाब से जायरो के उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है ग्रेविटी मतलब कि टर्न करने का टू सीक इन वन डायरेक्शन वो स्लो हो जाता है. तो ये डैम्पिंग एरर जो है वो लैटिट्यूड से होती है, और जो स्पीड एंड कोर्स एरर है वो होती है कि वेसल के कोर्स और स्पीड से, जिसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. फिर हमारे पास नेक्स्ट या थर्ड वन जो है इट इज़ कमिंग अप द ब्लास्टिक एरर, जो कि हमें नॉर्थ सीकिंग बनाती है. सो टू मेक ग्रेविटी कंट्रोल जायरो विच इज़
मूविंग अराउंड द इमेजिनरी स्टार, जो इमेजिनरी स्टार था ना उसके अलोंग में ये जो है हमारा यहाँ पे या दिस वन जो कि इलिप्स में मूव कर रहा था, तो उसको हमने बैलेस्टिक एरर की हेल्प से हमने उसे नॉट सीकिंग बनाया। तो यही मैंने बताया इसमें कि जो बैलेस्टिक एरर है इट इज़ टू मेक द ग्रेविटी कंट्रोल्ड जायरो विच इज़ मूविंग अराउंड द इमेजिनरी स्टार इन अ इलिप्टिकल पाथ विच इज़ हैविंग अ पीरियड ऑफ 84.44 मिनट्स टू मेक द नॉर्थ सेकिंग विद द हेल्प ऑफ द मर्करी ब्लास्टिंग। तो इसमें ये है कि जो हमारा ग्रेविटी कंट्रोल जायरो था उसमें हमने ब्लास्टिक एरर को कंट्रोल कैसे किया, मर्करी डाल करके, तो वो मर्करी ब्लास्टिंग जो थी वो डाल दिया। तो उसमें क्या, उसे शूल्चर ट्यूनिंग भी कहते हैं। शूल्चर ट्यूनिंग असल में कुछ और नहीं है, इट इज़ अ शूल्चर पीरियड, शूल्चर पीरियड जिसकी वैल्यू 84.44 मिनट्स है जो कि बुक्स में दिया हुआ है। तो 84.44 मिनट्स के आसपास उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज उसको जो कि इलिप्टिकल पाथ बना रहा था उसी को उसने डैम्प करके एकदम नॉर्थ सीकिंग बना दिया। तो जो 84.44 मिनट का जो सर्कल बन रहा था, इलिप्स बन रहा था अराउंड द इमेजिनरी स्टार, उसी को उसने कम करके रिड्यूस करके उसने उसे नॉर्थ सीकिंग बना दिया। सो दिस इज वॉट इज अबाउट द जायरो। अब जायरो में इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वाई जायरो डज नॉट वर्क एट हायर लैटिट्यूड। तो हायर लैटिट्यूड पे तो वर्क करने के लिए पहली चीज़ तो हर जायरो की अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाई हुई है आईएमओ ने, तो उसके अकॉर्डिंगली ही जायरो जो है वो जिस वेसल पे है वो वर्क करेगा। जैसे जो वेसल्स नॉर्थ पोल या पोलार वाटर्स में नहीं जाते हैं वो तो कम लैटिट्यूड तक ही वर्क करेंगे, वेयर एज जो हमारे जायरो पोलार वाटर्स में जाएंगे उनका तो जो जायरो होगा वो वहाँ पे उस तरीके से एक्ट करेगा अगर जायरो है तो, जायरो नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी रहेगा इक्विपमेंट वो उसी अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। तो इसमें जो है कि वाई जायरो डज नॉट वर्क एट अ हायर लैटिट्यूड, तो सबसे पहला तो एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो गया, फिर ये हो गया कि ड्यू टू द स्पीड ऑफ द अर्थ, क्योंकि जायरो का जो प्रिंसिपल है वो स्पीड ऑफ द अर्थ पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो वो स्पीड ऑफ द अर्थ की वजह से, तो अगर वहाँ पे कोई जायरो है तो बनाया गया है तो उसमें क्या होगा वो स्पीड ऑफ द अर्थ पे उतना डिपेंड नहीं करेगा, या डिपेंड भी करेगा तो अकॉर्डिंगली उन्होंने बनाया होगा तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वहाँ पे जायरो काम भी करे। तो सबसे पहले हो गया कि ड्यू टू द स्पीड ऑफ द अर्थ हो गया, फिर सेकेंड वन हो गया कि स्ट्रीमिंग एरर जो होती है जो कि कोर्स और स्पीड की होती है उसके वजह से, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड उसका नहीं है, फिर वो अर्थ वहाँ पे स्लोली रोटेट कर रही है, फिर जो एरर्स हैं ड्यू टू स्ट्रीमिंग एरर जो है अपनी वो बढ़ जाती है, दैट्स वाई द वो जायरो कैन नॉट फंक्शन वेरी वेल इन द हायर लैटिट्यूड। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि कैन यू यूज जायरो एट मून, तो मून पे क्या हम जायरो यूज कर सकते हैं? हाँ हम लोग मून पे जायरो यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट थिंग कि अगर जैसे हमारे अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एनीथिंग विच फॉल्स ऑन द अर्थ विल बी लाइक दिस, तो सब पे ये ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ की लग रही है, अगर इसी ग्रेविटेशन फोर्स को अगर हम मून पे देखें तो ये 1/6 होती है, तो अगर हम वहाँ पे 1/6 के हिसाब से जो हम यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट पे